ननहाल बेटा, ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि तुम मेरे कहने से यहां तक चली, वरना आज़र तो यही सोचता ना कि उसका बाप कुछ भी करने के काबिल नहीं है। सच ही तो है, ना तो मैं उसका कोई दुख कम कर सका और ना ही उसकी कोई ख्वाहिश पूरी कर सका। ऐसे बाप भी होते हैं। प्लीज, आप बहुत अच्छे हैं, खुद को किसी बात का इल्जाम मत दीजिएगा। मैं यहाँ सिर्फ आपकी खातिर आई हूँ। बेटा, अगर हो सके तो थोड़ी सी रियायत ऐसे भी दे देना, शायद चलो आओ बेटा, कहीं वक्त ना निकल जाए मुलाकात। आ जाओ आ जाओ। जो कहना है जल्दी कर, मैं ज्यादा देर यहां रुक नहीं सकती और ना ये जगह शरीफों के रुकने के काबिल है। मैं जानता हूं, लेकिन मैं और क्या करता मना। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा, तुम्हें इतने दिनों बाद देखा है ना मैंने। कैसी हो तुम, सब ठीक है ना? ये पूछ के आप मेरे जख्मों पे नमक छिड़कना चाहते हैं? जो कुछ आपने किया उसके बाद कुछ भी ठीक हो सकता है? प्लीज बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? देखो, मैं जानता हूं मुझे तुम्हें यहां नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें कांटेक्ट करने का मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था मना। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ऐसा फरहान की साजिश है। इस मौजू पर मैं कोई बात नहीं करना चाहती, आपने कुछ और कहना है तो कहिए वरना मैं जा रही हूं, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। मना, प्लीज, देखो प्लीज, तुम मेरी बात सुने बगैर कह नहीं जा सकती। ये हमारी जिंदगी का सवाल है, तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हें कुछ नहीं पता। इस वक्त आप सिर्फ अपनी जिंदगी की फिक्र करें, जो मुझे नहीं पता वो मैं नहीं जानना चाहती, क्योंकि जितना जानती हूँ वो ही नाकाबले बर्दाश्त है। आपको क्या पता कि मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, बहुत तकलीफ दी। प्लीज मेरी बात पे यकीन करो, फरहान ने सारी प्लानिंग की है। ये पहले मेरे लिए ऐसे हालात क्रिएट किए, फिर वीडियोस मीडिया को दी, ये सब उसकी साजिश है। जी अस्सलाम वालेकुम गाजी, खैरियत? सब खैरियत है अहमद भाई। मुझे एहसास है कि आप कितने परेशान हैं इन दिनों, बहुत दुख भी होता है आप जैसे अच्छे इंसान के लिए, लेकिन कभी कभी हालात हमारे बस से बाहर हो जाते हैं। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है। बल्कि कसूरवार तो वो भी नहीं है गाजी, लेकिन मैं अगर सफाई में कुछ कहूंगा तो तुम तो क्या कोई भी यकीन नहीं करेगी। खैर छोड़ो इस बात को, तुम बताओ कैसे फोन किया? मौका मुनासिब तो नहीं, लेकिन दिल चाहता है कि आपको जरूर अपनी खुशियों में शामिल करें। मिनाल को आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है, आज शाम को मिनाल का निकाह है फरहान के साथ।